हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर चैनल एसके 11 फैंटेसी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालीफाई सी का जो फर्स्ट मैच खेले जाएंगे बेल्जियम वर्सेस गिब्राल्टर के बीच में, तो उसी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले सब सभी से एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएंगे, उसी लिंक पर क्लिक करके आप सीधा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि तमाम सारे अपडेट्स और फाइनल टीम आपको वहीं पर प्रोवाइड किए जाएंगे। और दिए हुए लिंक काम ना करें तो टेलीग्राम पर जाकर एसके 11 फैंटेसी कोई भी स्पेस ना देते हुए सर्च कर लीजिएगा, आपको हमारे चैनल मिल जाएंगे, आपको वहीं पर जाकर जोड़ना है। तो दोस्तों देखिए, ये यहाँ पे काफ़ी सारे मैचेस खेले जाएंगे, तो अगर आपको भी ऐसे मैचेस खेलना पसंद है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए और दोस्तों टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, पहले दोनों टीम का कुछ स्कोर कार्ड देख लेते हैं। कि यहाँ पर स्कोर कार्ड देखने से पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पर रैंकिंग किस टीम का कितना ज़्यादा है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, गिब्राल्टर का रैंकिंग जो है दोस्तों, आईसीसी जो रैंकिंग है ये दोस्तों 70 है। तो यहाँ पर दोस्तों गिब्राल्टर काफ़ी वीक टीम रहने वाले दोस्तों, और बेल्जियम दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मतलब स्ट्रॉन्ग टीम देखने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए, आपको कुछ ऐसे दोस्तों टिप्स बताऊंगा और कुछ ऐसे प्लेयर के बारे में बताऊंगा दोस्तों जिसका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है ड्रीम इलेवन में, और वो खिलाड़ी दोस्तों आज के मैच में दोस्तों आपको जिता के जा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ स्मॉल लीग भी नहीं, ग्रैंड लीग भी, क्योंकि वो दोस्तों वो खिलाड़ी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी दोस्तों, और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन रहेंगे। तो वीडियो को एंड तक दोस्तों बिना स्किप किए देखते रहिए। और दोस्तों यहाँ पर बेल्जियम का यहाँ पर रैंकिंग देख सकते हैं जो कि 43 दोस्तों, तो काफ़ी मार्जिन है दोनों टीम के बीच में। तो आप ये देखिए, यहाँ पर बेल्जियम को फेवरेट मन के दोस्तों टीम बनाएगा, ठीक है। तो आपका टीम ऑटोमेटिक अच्छा बनाएंगे, आप चाहो तो यहाँ पर 7-4 की कॉम्बिनेशन या फिर दोस्तों 6-5 की कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं बेल्जियम टीम गिब्राल्टर टीम के दोस्तों यहाँ पर स्कोर कार्ड यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए गिब्राल्टर टीम दोस्तों हमेशा से अपना जो दोस्तों बहुत सारे बॉलर्स को बॉलिंग करने देते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे बॉलर्स ने बॉलिंग की हुई थी इस मैच में, 7 से 8 बॉलर बॉलिंग किए थे। तो लेकिन आपको दोस्तों हर मैच में देखने को मिलेंगे दोस्तों, ये लोग कम से कम दोस्तों यहाँ पे 6 से 7 बॉलर यूज़ करते ही है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से ध्यान रखना होगा दोस्तों, जो बॉलर ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग करते हैं दोस्तों, जो मेन बॉलर रहेंगे उन्हीं को अपने टीम में पिक करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, एल ब्रूस आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन रहेंगे, आपके टीम में होना चाहिए दोस्तों, आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगे। केन स्टार आपकी टीम में होना चाहिए, और यहाँ पर बी पाई दोस्तों, ये तीनों दोस्तों आपके टीम में होना ही चाहिए, आप इन तीनों को ड्रॉप मत कीजिएगा, ये काफ़ी बेहतरीन दोस्तों ऑलराउंडर है, ठीक है। फिर देखिए एस बोथ इस टीम का दोस्तों, अगर बॉलिंग की बात की जाए तो सबसे बेहतरीन बॉलर है, ठीक है। तो आप देखिए इनको जरूर पिक करके चल सकते हो अगर फेरे बॉलिंग आएंगे तो। फिर देखिए अभी के फेरे यहाँ पे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, लेकिन कभी कभार दोस्तों ये बैटिंग से भी आपको पॉइंट दे देते हैं, और कभी कभार बॉलिंग करके जाते हैं। एम विलियन ये भी आपको दोस्तों यहाँ पर 4 ओवर की फुल बॉलिंग करते नजर आए थे, लेकिन ये ज़्यादा बॉलिंग करता नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल टाइम में दोस्तों बॉलिंग कर रहे हैं, तब चाहते इनको पिक करके जा सकते हो। एन आदवानी ये देखिए, आदवानी देखिए अभी एक ही ओवर बॉलिंग किया, तो जैसे कुनिंगम ने यहाँ पर देखिए 2 ओवर में 34 रन देखिए, कोई विकेट नहीं। यहाँ पर देखिए बी अविनेश पर आपको बॉलिंग के साथ साथ दोस्तों बैटिंग ओपनिंग करते नजर आएंगे, तो आपके लिए खिलाड़ी दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन के एक अच्छा पिक बनेंगे। अगर कैप्टन नहीं भी बनाओ तो दोस्तों वीसी तब जरूर इनको बना के जा सकते हो। एम गोस यहाँ पर देख सकते हैं 10 रन ही बना पाए थे। एल बुर से आपको ओपनिंग या फिर दोस्तों ऑन डाउन खेलते नजर आएंगे, और 3 से 4 ओवर की बॉलिंग भी करते नजर आएंगे, तो ये भी आपकी टीम में होना चाहिए। फिर देखिए के नेस्टर आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगे, आपको मैंने बता ही दिया था दोस्तों, के नेस्टर एल ब्रूस और दोस्तों बी पॉय आपके टीम में मास्टर पिक रहेंगे, आप इन दिनों को ड्रॉप मत कीजिएगा। ए राइस यहाँ पर देख सकते हैं 44 रन के एक अच्छे पारी खेले थे, लेकिन ज़्यादा उम्मीद मत कीजिएगा, ये मिस एंड हिट टाइप का खिलाड़ी दोस्तों, ठीक है। तो आप इनको ज़्यादा ड्रॉप भी कर सकते हो। ए मुइलन यहाँ पर देख सकते हैं 8 रन बनाए थे बैटिंग से, और दोस्तों बॉलिंग से 4 ओवर की फुल बॉलिंग किए हुए थे, और यहाँ पर एन आदवानी यहाँ पर 0 पे आउट हुए थे। यहाँ पर एक और मैच में देख सकते हैं अविनाश पाइन यहाँ पर और एल ब्रूस दोस्तों, यहाँ पर दोनों ओपनिंग करने आए थे, और यहाँ पर देख सकते हैं अविनाश पाइन ने क्या बेहतरीन पारी खेले थे। फिर देखिए यहाँ पे एल ब्रूस कोई खास कुछ नहीं कर पाए थे। फिर ये पे आर सी रोचा यहाँ पर देखिए 14 रन बनाए थे। एम गाउस यहाँ पर देख सकते 37 रन बनाए थे। ए राइस यहाँ पे 2 रन, फिर हैचमैन ने 2 रन, और यहाँ पे दोस्तों एम विलियन ने यहाँ पे 3 रन बनाए हुए थे। बी अविनाश पाइन देखिए सिर्फ एक ही ओवर बॉलिंग किए थे, एल ब्रूस यहाँ पर 3 ओवर बॉलिंग किए थे। फिर देखिए अभी ए राइस ने 1 ओवर बॉलिंग किए थे, और एस बोधा ने दोस्तों यहाँ पर 1 ही ओवर बॉलिंग किए थे। ए आर हैचमैन यहाँ पर दोस्तों 1 ओवर में 24 रन दे दिए थे, और यहाँ दोस्तों आर कुनिंगम यहाँ पर 2.2 ओवर में दोस्तों 1 ही विकेट ले पाए थे, और एन आदवानी यहाँ पर 2 ओवर बॉलिंग किए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हर मैच में ये लोग दोस्तों 6 से 7 बॉलर या फिर 8 बॉलर बॉलिंग कर रहा है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से ध्यान रखना होगा दोस्तों। फिर देखिए अभी अविनाश पाइन यहाँ पे भी बेहतरीन पारी खेले थे दोस्तों, ये कंसिस्टेंट खिलाड़ी दोस्तों, हमेशा आपको पॉइंट मतलब बैटिंग से अच्छा परफॉर्मेंस करते नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों बेल्जियम काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, तो इनको मतलब अविनाश पाइन दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने जिसको आप बताया, वो इन तीनों को पिक कीजिएगा ग्रैंड लीग में या फिर स्मॉल लीग में जो ऑलराउंडर है दोस्तों, ठीक है। एल ब्रूस देख सकते बैटिंग से फ्लॉप ही गए थे इस सीरीज में। फिर देखिए के फिर यहाँ पे ऑन डाउन पे आए थे। फिर यहाँ पे एम गोज 2 डाउन, और ए राइस देखिए कोई कुछ खास नहीं कर पे थे। ए आर एच मैन आपको बॉलिंग करते नजर आएंगे, और यहाँ पे 32 रन की अच्छा पारी खेले थे, और एम विलियन यहाँ पे
27 रन का एक अच्छा पारी खेले थे दोस्तों। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी वो ही अविनाश पर चार ओवर बॉलिंग किए थे, एक विकेट चटकाए थे। फिर देखिए एम को यहाँ पर भी तीन ओवर बॉलिंग किए थे, विकेट नहीं मिला था। एल ब्रूस यहाँ पर चार ओवर में दो विकेट। फिर देखिए के फिर यहाँ पर भी बॉलिंग किए थे दोस्तों, तो आप इनको चाहते पिक कर सकते हो। चार ओवर में 30 रन देकर दो विकेट चटकाए थे। एस बोलता चार ओवर में कोई विकेट नहीं, और दोस्तों एम विलियन ने एक ओवर में 14 रन देकर कोई विकेट नहीं। तो गाइस ये देखिए बेल्जियम का दोस्तों ये बॉलिंग ऑप्शन आपको देखने मिलेंगे दोस्तों। देखिए ऐसे मैचेस में क्या है ना दोस्तों, 6 से 7 बॉलर तो यूज़ कर ही देते हैं। ठीक है, अगर देखिएगा कि वीक टीम से मैच है तो दोस्तों और भी ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर को बॉलिंग करने का मौका देते हैं। यहाँ पर देखिए बेल्जियम तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम रहेंगे, तो यहाँ पर देखना इन टीमों से भी आपको 6 से 7 बॉलर बॉलिंग करते नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों आपके टीम में जो लोग होना चाहिए, देखिए यहाँ पे एम इकरा आपके टीम में मस्ट हैव होना चाहिए दोस्तों। फिर देखिए सेफत आपको इनको पिक कर सकते हो। एमओ दोस्तों ये टीम का बेहतरीन ऑलराउंडर है दोस्तों, और आपका टीम में दोस्तों कैप्टन पिक होना चाहिए इस मैच में, क्योंकि आपकी बैटिंग ओपनिंग प्लस आपको 3 से 4 ओवर की बॉलिंग करते नजर आएंगे। और दोस्तों इनका सिलेक्शन ज़्यादा है नहीं, तो आप इनको जरूर कैप्टन वाइस कैप्टन बना के जाइएगा। और मैं मोस्ट ऑफ दोस्तों इनको अपना टीम में कैप्टन बना सकता हूँ। एस जैकल दोस्तों मोस्ट वाली स्क्वाड में नहीं है, अगर रहेंगे तो ये भी आपकी टीम में मस्ट हैव होना चाहिए। एस शेख दोस्तों यहाँ पर देखिए सिराज शेख टीम का कप्तान है दोस्तों, इनका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों ये टीम ये आपकी टीम में होना चाहिए, क्योंकि आपको बेहतरीन बॉलर है दोस्तों, बॉलिंग से अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते नजर आएंगे। और बैटिंग भी आ गए तो बैटिंग से भी आपको पॉइंट दे देंगे। बी निया जब एक ही ओवर बॉलिंग किए थे दोस्तों, और ए सालिया पर एक ही ओवर बॉलिंग किए हुए थे। तो बैटिंग से यहाँ देख सकते हैं मुनीब दोस्तों, या एम मुनीब इनका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये आपकी टीम में मास्टर पिक है, आपके बैटिंग से अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते नजर आएंगे। कभी कभार 1 से 2 ओवर बॉलिंग भी करके जा सकते हैं, लेकिन बैटिंग से ज़्यादा उम्मीद रखिएगा, बैटिंग से आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे देंगे। ए मोहम्मद देख सकते हैं बैटिंग से क्या ताबड़तोड़ पारी खेले थे दोस्तों, और बॉलिंग से भी आपको परफॉर्मेंस देंगे। तो आपका टीम में कैप्टन मास्टर पिक होना चाहिए दोस्तों, अगर ये लोग खेलेंगे दोस्तों। और यहाँ पर ऐसे ही दोस्तों स्क्वाड रहा कि कोई बदलाव ना आ रहा है, तो इस मैच में हम लोग अच्छा खासा परफॉर्मेंस अच्छा खासा दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एप मोहम्मद यहाँ देख सकते हैं 18 रन ही बना पाए थे। एस जाकिल पर अगर खेल स्क्वाड में नहीं है, अगर होता तो दोस्तों ये भी कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा पिक बन जाता। फिर देखिए ए मोहम्मद मूसा मोहम्मद यहाँ पर एक ही रन बना पाए थे। यहाँ पर देखिए मूसा मोहम्मद को ओपनिंग भेजा गया था, फिर देखिए 2 रन पाउट हुए थे। ए मोहम्मद यहाँ 12 रन बनाए थे, ए रशीद 10 रन बनाए थे, बी नियाज यहाँ 7 रन बनाए थे। और दोस्तों यहाँ पर एप मोहम्मद 1 रन, एस जाकिल यहाँ पर देखिए 4 रन बनाए थे, एम लतीफ एवं 17 बनाए थे, और दोस्तों ए राजा जो कि आपको विकेट कीपिंग में देखने को मिलेंगे यहाँ पर 31 रन के एक अच्छा पारी खेले थे। ये दोस्तों काफ़ी बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन थोड़ा बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं तो थोड़ा बहुत रिस्की भी रहेंगे। बॉलिंग से देखिए आप एम इकरामी देख सकते हैं, यहाँ पर भी 4 ओवर बॉलिंग किए थे, तो आपके टीम में मास्टर पिक होना चाहिए दोस्तों। ये आप इनको जोर पिक कीजिएगा, क्योंकि ये दोस्तों स्ट्रॉन्ग टीम से बिलोंग्स कर रहा है, तो आपको कभी भी 2 से 3 विकेट लेकर दे सकते हैं। एम मोहम्मद आपको बैटिंग से देखिए ओपनिंग प्लस 3 से 4 ओवर बॉलिंग, तो इनसे बेहतरीन कैप्टन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। चाहे इनका सिलेक्शन कितना भी कम ना हो दोस्तों, मेरे टीम में कैप्टन रहेंगे। एम मोहम्मद देख सकते हैं आप एक ही ओवर बॉलिंग किए तो कोई विकेट नहीं। यहाँ पर देखिए एस जाकिल स्क्वाड में नहीं है, तो बात करने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों। अगर होता तो ये मेरा टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन, मैं इनको जरूर हिस्सी बनाता दोस्तों। ठीक है, सिराज शेख यहाँ पर देखिए 4 ओवर में 17 रन दिए थे। अगर दोस्तों ये 4 ओवर बॉलिंग करेंगे तो इस मैच में आपको 2 से 3 विकेट जोर चटकाते नजर आएंगे, आप देख लेना। ए राजा के यहाँ पर 1.2 ओवर बॉलिंग किए तो कोई विकेट नहीं मिला था। यहाँ पर देखिए दोस्तों मुनीब ने यहाँ पर भी क्या कमाल की पारी खेले था दोस्तों। ये मोहम्मद दोनों ही ओपनर दोस्तों यहाँ पर क्या ताबड़तोड़ पारी खेले थे। फिर देखिए एस जाकिल जिसके बारे में बात कर रहा था दोस्तों, स्क्वाड में मोस्ट वाली नहीं है। फिर देखिए एस शेख यहाँ पर 8 रन बनाए थे, और दोस्तों यहाँ पे आहमेद जाय यहाँ पर 13 रन बनाए थे। के आहमेदी दोस्तों यहाँ पर 0 पे आउट हुए थे, और दोस्तों यहाँ पर उमर खेल यहाँ पर देखिए 8 रन बना पाए थे, और एस सिफत ने 0 पे नॉट आउट थे। तो बॉलिंग से परफॉर्मेंस देखिए यहाँ पर देखिए इकराम यहाँ पर भी 4 ओवर बॉलिंग किए थे, और यहाँ पर भी 2 विकेट चटकाए थे। फिर देखिए एफ भट्टी अगर खेलेंगे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन बॉलर है दोस्तों, अगर खेलेंगे तो शायद स्क्वाड में नहीं है, अगर होंगे तो फिर स्क्वाड देखिए दोस्तों काफ़ी सारे खिलाड़ी है। तो आपको क्या करना दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं डेमो टीम बना के दिखाऊंगा, फाइनल टीम तो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किए जाएंगे, तो टेलीग्राम पर आप जुड़ना माधु लेगा, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है दोस्तों। ठीक है, और काम ना करें तो दोस्तों टेलीग्राम पर जाकर आपको SK11 फैंटेसी सर्च कर लेना चाहिए, और दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे मैचेस जो मैचेस में दोस्तों लोगों को ज़्यादा पता होता नहीं, वही मैचेस हम लोग कवर करते हैं। और दोस्तों जो फेवरेट मैचेस है, ओमैन मैचेस, वो भी कवर करते हैं, और इंटरनेशनल मैचेस तो हम लोग कवर करते ही है दोस्तों। ठीक है, तो सारे मैचेस आपको इसी चैनल में मिल जाएंगे दोस्तों, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो दोस्तों घर में काम चल रहा है दोस्तों, तो आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा दोस्तों, तो उसके लिए सॉरी दोस्तों, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। ठीक है, फिर देखिए आप ए आमेद जाए आपको यहाँ पे बॉलिंग से 3 ओवर बॉलिंग करते नजर आए थे। एक के आमेदी दोस्तों ये दोनों बेहतरीन बॉलर है दोस्तों, अगर खेलेंगे तो मैं इन दोनों को पिक करके जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों ने 3-3 ओवर की बॉलिंग की हुई थे, और यहाँ पे दोस्तों एस से यहाँ पर 1 ही ओवर बॉलिंग किए थे। ए मुनी दोस्तों यहाँ पर 1 ही ओवर बॉलिंग किए थे, 1 विकेट चटका गए थे, लेकिन ज़्यादा बॉलिंग करता नहीं। अगर करेंगे दोस्तों तो ये भी कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेहतरीन ऑप्शन बन जाएंगे, बैटिंग से तो आपको कमाल करते नजर आ ही जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों ए मोहम्मद ने 1 ही ओवर बॉलिंग किए थे, 1 विकेट चटका के गए थे। यहाँ पर देखिए मुनीब 0 पे आउट हुए थे, फिर देखिए ए मोहम्मद यहाँ पर भी अच्छा पारी खेले थे, उमर खेले यहाँ पर देखिए 18 रन बनाए थे। एस शेख देखिए सिराज शेख दोस्तों यहाँ पर बैटिंग से ओपर आ गए थे, और यहाँ पर बैटिंग से आपको क्या कमाल का पारी खेल के दिए थे। तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों, ये अगर बैटिंग से ओपर आ जाएंगे तो आपको बैटिंग से परफॉर्मेंस करते नजर आएंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा बैटिंग कर लेते, और इनका सिलेक्शन दोस्तों बिल्कुल नहीं है, और हम लोग का ये ट्राम कट पिक बनेंगे दोस्तों इस मैच में, सिर्फ स्मॉल लीग में नहीं दोस्तों, ग्रैंड लीग में भी।
एस बाट यहाँ पर देखिए 41 बनाए थे, फिर यहाँ पर एस जाकिल देखिए हर मैच में पॉइंट दे रहा है लेकिन बंदा स्क्वाड भी नहीं है मोस्ट वाली। यहाँ पर भी 34 रन अच्छा पारी खेले थे। के एम में यहाँ पर देख सकते 7 रन की पारी खेले थे। ये देखिए यहाँ पर भी दोस्तों एक राम भी देखिए यहाँ पर हर मैच में विकेट चटका के जा रहा है दोस्तों। एफ बाट यहाँ पर 4 ओवर बॉलिंग किए थे, यहाँ पर 1 मिडन। फिर यहाँ पर देख सकते सज्जद मोहम्मद यहाँ पर 4 ओवर में 13 रन देखिए 2 विकेट चटकाए थे। के आम में दिए देखे 4 ओवर में जैसे 38 रन देखे 4 विकेट चटकाए थे। मैंने आपको बताया था कि अगर के आम में दिए खेलेंगे तो मेरा टीम में रहेंगे दोस्तों। और एस सिफात में देखिए 3 ओवर में 24 रन देखे 1 विकेट। और ए मोहम्मद देखिए दोस्तों एक बार 2 विकेट चटकाए थे, मेरे टीम का कप्टन रहेंगे, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए एमू ने व्यापार भी 11 रन बनाए थे, ए मोहम्मद देखिए 35 रन बनाए थे। फिर एम मुसा में देखिए 29 रन बनाए थे, आपको विकेट कीपिंग से मोस्ट ऑफ मिलेंगे और स्क्वाड में नहीं शायद, ठीक है। एस बार देखिए यहाँ पर आपको 2 रन बनाते नजर आएंगे थे। एस से दोस्तों यहाँ पर भी बैटिंग से परफॉर्मेंस किए थे। यहाँ पर देखिए एस जाकिल आपको देखने को मिल रहा है कि हर मैच में दोस्तों ये बंदा काफ़ी कमाल का पारी बना के दे रहा है दोस्तों, ठीक है। एस के पास 2 रन बनाए थे और ए नियाज दोस्तों बी नियाज अभी 0 पे आउट हुए थे। बॉलिंग से देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर भी एकरम 1-2 ओवर में 1 विकेट चटकाए थे। सज्जद मोहम्मद यहाँ पर भी 2 विकेट चटकाए थे। ये भी अच्छा बॉलर है दोस्तों, खेलेंगे तो मेरी टीम में ए बी पिक। देखिए दोस्तों कौन खेलेंगे बताना अभी मुश्किल है, अगर जो भी खेलेंगे दोस्तों स्क्वाड आप तो इसको मतलब इसको कार्ड देख ही रहे हैं दोस्तों। अगर आपको आपको तो पता चल ही गया कि कौन सा खिलाड़ी का ज़्यादा स्क्वाड मतलब जो परफॉर्मेंस है, कौन सा खिलाड़ी का ज़्यादा अच्छा है, कौन को किसको किस टाइम पर पिक करना है दोस्तों, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो कहीं तक देखते रहिए। फिर देखिए अब के आम में दिया 4 ओवर में 1 मिनट के साथ दोस्तों 4 विकेट चटके, तो आप देख सकते हैं इनका परफॉर्मेंस। मैंने आपको इसीलिए पहले ही बताया था कि ये खेलेंगे तो मेरे टीम में मस्ट है पिक रैंक है। एस सिफात देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 ओवर में 13 रन के 2 विकेट 3 विकेट चटके थे। बी नियाज कोई टीम सेक्शन में आपको यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पर देखिए यहाँ पर कौन खेलेंगे अभी बताना मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि बेल्जियम की तरफ से आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पर मोस्ट वेल दोस्तों इन दोनों में से कोई एक खेलेंगे। अगर देखिए एस बार खेलेंगे तो ये भी अच्छे रहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत नीचे बैटिंग करना है तो आप यहाँ पर जेमाल्स को पिक कर सकते हो, क्योंकि आपको बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस करते नजर आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए उनको पिक किया हूँ। बैटिंग में देखिए अभी दोस्तों एम लोतीफ का काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन है दोस्तों, पर इनका आपने देखा कि इनका दोस्तों जो परफॉर्मेंस था दोस्तों, इनका जो स्कोर कार्ड था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, ठीक है। तो आप चाहते हो इनको पिक कर सकते हो, लेकिन दोस्तों मेरा जो फास्ट पिक रहेंगे दोस्तों यहाँ पे एम मुनीब रहेंगे। इनका सिलेक्शन देखिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 3% है, और दोस्तों मैं इनको पहला पिक रखूँगा, ठीक है। तो मेरे टीम में दोस्तों मास्टर पिक रहेंगे, ये मेरा टीम में तो होना ही चाहिए। फिर देखिए दोस्तों एस जाकिल अगर खेलेंगे दोस्तों तो ये दोनों को आप कभी भी किसी हालात में ड्रॉप मत कीजिएगा। और दोस्तों सिलेक्शन देखिए मैंने आपको इसीलिए बताया कि ये मैच आप दोस्तों हम लोगों के लिए अच्छा जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो खिलाड़ी हम लोग पिक करने वाले और उनका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, और दोस्तों इन लोगों को सिर्फ स्मॉल लीग भी नहीं ग्रैंड लीग में भी आप पिक कीजिएगा और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाएगा। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर पहला पिक दोस्तों यहाँ पर रहेंगे एम मुनीब, और दूसरा पिक दोस्तों यहाँ पर रहेंगे मेरा एस जाकिल, ठीक है। आप चाहो तो किसी और को भी पिक कर सकते हो जिनका सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए एम लतीफ का काफ़ी बढ़िया सिलेक्शन है, पर उनका भी के लिए पिक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर देखिए एक और पिक दोस्तों सिराज शेख, ये भी इनका भी सिलेक्शन देखिए दोस्तों बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं है, ठीक है। मैं उनको भी पिक करने वाला हूँ दोस्तों। तो तीनों खिलाड़ी के दोस्तों यहाँ पर पिक किया हूँ दोस्तों, तीनों का आप सिलेक्शन देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, आप समझ सकते हो। तो आइए यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में देखते हैं दोस्तों। और यहाँ पर देखिए आपको और एक पिक दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप चाहो तो एम कॉस को पिक करके जा सकते हो दोस्तों, पर मैं इनको पिक नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे तीनों जो इसका सबसे ज़्यादा सिलेक्शन है मैं तीनों को ड्रॉप कर रहा हूँ दोस्तों फिलहाल टाइम में, ठीक है। फिर देखिए ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों अविनाश पाई मास्टर पिक रहेंगे दोस्तों, ए मोहम्मद आपके लिए मास्टर पिक रहेंगे, बी आजीज़ मोहम्मद दोस्तों, ठीक है, ये आपके टीम में होना चाहिए दोस्तों। कैप्टन के भी सबसे बेहतरीन ऑप्शन रहेंगे क्योंकि बैटिंग से आपको ओपनिंग करते नजर आएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर दोस्तों और भी खिलाड़ी है, यहाँ पर देखिए के आमे जो अगर खेलेंगे तो मैं इनको भी पिक करूँगा दोस्तों, सिलेक्शन चाहे कितना भी कम हो बेहतरीन खिलाड़ी है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए एक और खिलाड़ी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर दोस्तों के आमेदी, ये भी बेहतरीन खिलाड़ी, अगर दोनों खेलेंगे तो मैं दोनों को पिक करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। पर अभी के लिए मैं मन के चल रहा हूँ दोस्तों के आमे जय नहीं खेलेंगे, दोनों में से जो भी अगर दोनों खेलेंगे तो मैं दोनों को पिक करूँगा। तो अभी के लिए दोस्तों एल ब्रूस और के आमेदी को मैंने पिक किया हूँ। आप चाहते हो दोस्तों आई लैटिन को पिक कर सकते हो, यहाँ पर दोस्तों के फेरी को पिक कर सकते हो, ये भी आप रिसेंट टाइम में बॉलिंग कर रहे हैं तो आप इनको भी पिक करके चल सकते हो। बॉलिंग ऑप्शन में देखिए दोस्तों के नेस्टर को मास्टर पिक है, इनको जरूर पिक कर लीजिए अपनी टीम में, क्योंकि दोस्तों ये आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगे और बेहतरीन खिलाड़ी है। एम इकरामी का आपको तो मतलब स्क्वाड दोस्तों स्कोर कार्ड दिखाया है कि क्या कमाल का प्लेयर है दोस्तों, हर मैच में आपको विकेट चटकाते नजर आए थे और मैंने उनको पिक किया हूँ दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए एफ भाटी, ए मेरे टीम में दोस्तों मास्टर पिक रहेंगे अगर खेलेंगे तो, और दोस्तों एफ सिफा दोनों में से अगर दोनों खेलेंगे तो दोनों को पिक करके जाइएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको 5 से 6 बॉलर देखने को मिले तो 5 बॉलर को तो जोर पिक करने की कोशिश कीजिएगा बेल्जियम की तरफ से। तो सारे खिलाड़ी तो नहीं खेलेंगे दोस्तों, वो तो लाइन आने के बाद ही पता चलेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं दोस्तों यहाँ पर एफ भाटी को पिक कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, एफ भाटी को मैंने पिक कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आप चाहते हो यहाँ पे एस बोधा को पिक कर सकते हो, जब इस टीम का पहले बॉलिंग आएंगे, क्योंकि ये भी उस टीम का दोस्तों बेहतरीन बॉलर बॉलिंग है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एस मोहम्मद को भी आप चाहो तो पिक कर सकते हो,
सज्जद मोहम्मद का, ठीक है, लेकिन देखते हैं दोस्तों ये खेलेंगे कि नहीं। खेलेंगे तो मैं इनको भी पिक करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों लाइन अप आने के बाद ही पता चलेंगे कि कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है कौन नहीं, इसीलिए आप डेमो टीम बना के दिखा रहा हूँ। फाइनल टीम तो आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड किए जाएंगे। मेरा कप्तान दोस्तों ए मोहम्मद रहेंगे, दोस्तों सब ने इनको ही कैप्टन बना के रखा दोस्तों, सबको पता भी है शायद, ठीक है। और दोस्तों मेरा वी सी रहेंगे इस मैच में, दोस्तों मैं वी सी बनाऊंगा दोस्तों यहाँ पर, दोस्तों यहाँ पर एस जाकिल, यहाँ पर दोस्तों मुनीब में से किसी एक को, तभी के लिए मैंने यहाँ पर एस जाकिल को मैंने बनाया हूँ कि जिनका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, और मैंने उनका वी सी बनाया, आप समझ सकते हो, ठीक है। चलिए इस टीम को सेव कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने देखिए विकेट कीपिंग सेक्शन में मैंने यहाँ पर दोस्तों जे मार्पिल्स को पिक किया हूँ, बैटिंग सेक्शन में एस जाकिल, एस शेख और एम मुनीब, तीनों का सिलेक्शन दोस्तों लेस देन 5% है और मैंने तीनों को पिक किया हूँ दोस्तों, और तीनों का आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो, इतना अच्छा खिलाड़ी है। फिर देखिए बी आजिज मोहम्मद को पिक किया हूँ दोस्तों, अविनाश पाई को, एल ब्रूस को दोस्तों, किया मैं देखो ये भी बेहतरीन खिलाड़ी, तो सारे को मैंने अच्छे देखिए, मैंने मोस्ट ऑफ द बॉलर्स को मैंने पिक करने की कोशिश किया दोस्तों, बेल्जियम की तरफ से बैटिंग भी आपको मिल जाएगी क्योंकि वो लोग टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। फिर देखिए आप एम इकराम या फिर मास्टर पिक रहेंगे, मैंने उनको भी पिक किया हूँ दोस्तों, और यहाँ पे के नेस्ट और यहाँ पर दोस्तों एफ भट्टी को पिक किया हूँ। तो ग्रैंड लीग में दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, ग्रैंड लीग में आपको यहाँ पर इन सारे खिलाड़ी को दोस्तों ग्रैंड लीग में आपको बारी बारी में कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेशन करना होगा दोस्तों, ठीक है, इन सारे खिलाड़ी को दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सारे ये यहाँ पर देखिए बेल्जियम ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है और इस मैच को उनको जीतना भी चाहिए, तो आप इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कीजिएगा। और अगर दोस्तों गिब्राल्टर को फेवरेट मान के टीम बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर अविनाश पाई को कैप्टन और यहाँ पर इनको वी सी बना के जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोस्तों बी अविनाश पाई इस टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी दोस्तों, आप कंसिस्टेंट खिलाड़ी है, ये आपको हमेशा परफॉर्मेंस करते नजर आएंगे और बॉलिंग से भी आपको एक या दो विकेट लेकर दे सकते हैं। गाइस ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप कहीं भी अगर जुड़ना है, अगर आप अभी तक नहीं जुड़ा तो, और दोस्तों आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रख दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक बाय।